Hey guys, welcome back to the channel. तो अभी हम बात करने वाले हैं मनुज भाई से about his Harrier experience. दो साल इनको हो गए गाड़ी लिए हुए, almost जितना मेरे को ढाई साल हुए इनको दो साल हुए. मैं क्योंकि trips और बाकी travel ज़्यादा करता हूँ, इनकी गाड़ी trips पे थोड़ी सी कम रहती है comparative to me, but ये trips करते हैं, mountains पे जाते हैं. तो अभी बात करेंगे Harrier का pros and cons मनुज भाई के जुबानी, नहीं owner's experience. Yes. सर बताओ. विकास भाई देखो, 2018 ऑटो एक्सपो ग्रेटर नोएडा में जो लगा था, सो आई सॉ दिस HBX फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट एक्सपो. मुझे गाड़ी का डिज़ाइन कातिलाना लगा, मज़ा आ गया देख के. फिर आई स्टार्टेड फॉलोइंग कि जब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई कि क्या क्या इसमें लग रहा है. आई केम टू नो कि इसमें जीप का इंजन लग रहा है. आई केम टू नो कि ये लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर बन रही है. सो एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, लग रहा था कि कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ आने वाली है. क्योंकि टाटा मेरा लेने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि माय फर्स्ट कार वाज टाटा इंडिगो. सो दैट वाज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड विद टाटा. बट ऐसा क्या था, क्या? अरे वो साला हमेशा सर्विसिंग भी रहती थी, उसका डोर बाहर निकले रहते थे, मतलब क्लच प्लेट 3-4 बार चेंज हो गया था. ट्रक था वो, नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी, नॉट एट ऑल. मतलब टाटा तो मतलब मैं आई परमानेंटली टाटा को टाटा कर दिया था मैंने. अच्छा. तो फिर उसके बाद इसमें मेरा इंटरेस्ट बना, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इसमें टाटा ने अपना कुछ यूज नहीं किया. अच्छा. तो बट स्टिल फिर आई और डिटेल में देखा इसका म्यूजिक सिस्टम, JBL के स्पीकर्स, ये सब इन्होंने जो स्टार्ट मतलब थोड़ा थोड़ा पता लगा नेट के माध्यम से. तो फाइनली आई मेड अ डिसीजन कि चलो लेट्स गो फॉर इट, क्योंकि इंजन पता था कि अच्छा है ये, और चीज़ें भी जो इन्होंने अपहोल्स्ट्री और जो इन्होंने जो भी यूज़ कर रहे थे अच्छा लग रहा था देख के. सो आई थॉट कि लेट्स टेक अ चांस वंस अगेन. सो मैंने इसको आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बायर्स ऑफ दिस कार, बिकॉज आई बुक्ड इट. लॉन्च हुई थी तभी लिया था आपने? हाँ, बस लॉन्चिंग में लगा लो कि मेरी इंडिया में 600वीं कार मेरी थी, मतलब फर्स्ट मंथ में मेरी गाड़ी. I got it. Okay, first month. Tata Harrier 21st January को launch हुई थी, और I think February 4-5 तारीख को मेरी, नहीं 15 फरवरी के आसपास मेरी गाड़ी आ गई थी. Okay. So it was on उस time इसपे booking भी थी और waiting भी थी. तो I started driving और मुझे गाड़ी अच्छी लगी. Auto Expo में जो इन्होंने गाड़ी दिखाई थी, so वो गाड़ी तो देख के ना एकदम मतलब लेते ही साला ऐसा हो गया था कि इस गाड़ी को तो ले लो, जिस मर्जी कंपनी की है, टाटा की है, मारुति की है, हुंडई की है, किसी की भी है, ले लो, क्योंकि वो डिज़ाइन वॉज. सो जब जब मैं इस गाड़ी को फॉलो कर रहा था, साथ साथ आई केम टू नो दैट कि जब ये एक्चुअल मॉडल आएगा दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू दिस जो इन्होंने ऑटो एक्सपो में शो किया था, 85-90% सेम वैसा ही एक्चुअल में आएगा. सो दैट मेड मी मोर एक्साइटेड टुवर्ड्स दिस कार. सो तो आपने इस गाड़ी के साथ कंपेयर किया था इनोवा? थोड़ा सा मैंने जीप को कंपेयर किया था, जीप कंपास को कंपेयर किया था कि वो मेरी एक लिस्ट में थी और एक ये थी, क्योंकि उस टाइम पे और कोई ऑप्शन था नहीं, हेक्टर उस टाइम आया नहीं था. Okay. राइट. सो XUV मेरे को 7-सीटर गाड़ी उस टाइम पे नहीं था मेरा मन. सो आई थॉट कि इन दोनों में से कोई एक गाड़ी मैं लूंगा. जीप कंपास मैं चला भी गया था काफी, उसको भी मैंने स्टडी किया थोड़ा बहुत, और बट दैट वाज उसका प्राइस भी थोड़ा हायर साइड पे था. सो मुझे ये गाड़ी, आपको ये टॉप मॉडल है ये? हाँ, उस टाइम का टॉप मॉडल है XZ है ये. Okay. ये इसका एक शोरूम उस टाइम पे था 16 लाख 25 थाउजेंड. आपको ऑन रोड कितने की? ऑन रोड मुझे ये, क्योंकि चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन था, थोड़ा सस्ता पड़ा. आई गॉट इट फॉर अबाउट 18 and a half. ओके, ऑन रोड प्राइस. ओके. सो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा. नहीं यार, ये थर्ड की आवाज है ना, थोड़ी तो स्टेबिलिटी बताती है. हाँ हाँ, बिल्कुल यार. नहीं तो मारुति की गाड़ियों को बंद करो. मारुति तो भाई टिन का डब्बा लगता है. मारुति तो सीरियसली टिन का डब्बा. तो ठीक रहा, ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहा मेरे को. इसके अगर आप प्रोज की बात करो, मैंने जैसे बताया इसका बिल्ट बहुत सॉलिड है, इसका आपको इसका डिजाइन इज वेरी वेरी नाइस, और इसको वो भी कहते हैं ना देसी लैंड रोवर. अच्छा. हाँ, जैसे वो तो 45-50 लाख से शुरू होता है, तो ये हमारे को इंडिया में थोड़ा टाटा ने एक चीज़ अच्छी कर दी है, दे हैव मेड इट समथिंग लाइक डिस्कवरी जो उसकी आती है गाड़ी. तो इंजन परफॉर्मेंस, क्योंकि ये तो आपकी पुरानी वाली 140 BHP है. ये 140 BHP. राइट. सो इसका जो गाड़ी का जो वेट है उसके हिसाब से समटाइम्स आई फील कि ये थोड़ी अंडर परफॉर्मर है. जो इन्होंने अभी वही चीज़ इन्होंने करेक्ट की है, वो उसको 140 से 170 भी ले आए हैं, जिससे इसका जो है अगेन इंजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया है. बट
इसको अगर आप स्टार्ट करो, स्टार्ट के मतलब लगा लो कि 10-12 सेकंड के बाद इट इज वेरी गुड, इसका परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त हो जाता है. ओके, पावर टू वेट रेशियो, पावर टू गाड़ी बहुत हैवी है, हैवी है, गाड़ी बहुत हैवी है. हां, तो इन्होंने वही करेक्शन इन्होंने किया, अभी जो 140 पीएस पे था इसका, उसको ये 170 पीएस पे ले आए हैं अब. सो बट अभी तो लेकिन यही है हमारी, तो ठीक है, आई एम हैप्पी. तो आपने टाटा से कभी बात की कि इसको, इसका इंजन तो सेम है, इसको ट्यूनिंग 170 करो? नहीं, मेरे को सच्ची बताऊं विकास भाई, आप ही ने आइडिया दिया है. आई वाज नेवर अवेयर कि ये ट्यूनिंग करके 140 से 170 पीएस तक भी जा सकता है, क्योंकि इंजन तो सेम है ना. हाँ, इंजन सेम है, वही जीप कंपास का, उसमें भी 170 पीएस है, फिर आपका एमजी हेक्टर में भी सेम इंजन है और इसमें भी सेम इंजन है. सो ये और उन दोनों का 170 पीएस ऑलरेडी पहले से ही था, और हैरियर भी तो अभी 170 पीएस आ रही है. अब जो आ गई है वो तो ऑलरेडी BS6 जो इन्होंने लॉन्च किया है अभी, उन्होंने ऑलरेडी 170 पीएस से ही लॉन्च किया है. So, I'll try to get in touch with Tata, कि वो इसको 140 से 170 अगर कर सकें प्रोग्राम. और इसकी सर्विसिंग कितनी कितनी चला ली आपने? अभी मैंने इसको 30,000 प्लस चलाया, 31,000. तो इसका जो अगर आप सर्विसिंग एवरेज कॉस्ट बात करो, जो इसकी एक्चुअल पेड मेजर सर्विस होती है, दैट कम्स आउट टू अराउंड 15,000 के आसपास. 15,000 आता है. और इसका जैसे ना एक्सयूवी में मैं सर्विस कराता हूं तो मेरा भी 15,000 के आसपास आता है. और जैसे ना 20,000 किलोमीटर पे इसका मोबिल चेंज होता है, और मतलब मेजर जैसे 20 पे होगा, 40 पे होगा. आई गॉट इट. तो इसका जो चेंज होता है 15,000 पे होता है. 7,500 पे ये माइनर सर्विस करते हैं, हर 7,500 पे इनकी सर्विस है, लेकिन इनका जो मोबिल चेंज होता है वो 15,000, हर 15,000 पे होता है. 15,000, 30,000, 45,000, 60,000. अच्छा, ऐसे होता है? ऐसे होता है. ओके, जो मेजर सर्विस होता है. गाड़ी में कोई एक्सेसरीज आपने लगवाई बाहर से, आपको कोई जरूरत पड़ी या कुछ ऐसा लगा कि यार ये लगता या ये होता या कुछ भी? राइट. एक्चुअली क्या, हाँ राइट. उस टाइम पे मेरा बड़ा मन था कि जो मेरी नेक्स्ट कार होगी वो विद सनरूफ होगी. सो आई वॉज वेटिंग कि जब ये लॉन्च होगी तो शायद सनरूफ, क्योंकि इन्होंने एंड तक डिस्क्लोज नहीं किया था कि सनरूफ आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो आई वॉन्टेड कि इसमें एक सनरूफ होता तो आई वुड हैव लव्ड इट. अब खैर इन्होंने लॉन्च कर दिया, पैनोरामिक सनरूफ, वो लुक लगता बड़ा अच्छा है. ठीक है, उसका यूसेज इतना नहीं होता, बट स्टिल समटाइम्स इट लुक्स वेरी गुड, है ना. कभी कभी दिल कर जाता है कि गाड़ी से बाहर निकल के भी देखो कैसा दिखता है. ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार. मतलब आई नेवर बिलीव कि टाटा कुड मेक दिस टाइप ऑफ, मतलब ये चीज बना सकता है टाटा. So, इसके इसके जो टायर साइज है वो एक्सयूवी, हाँ आई थिंक वही सेम है, सेम टायर साइज टायर है इसका. सेम टायर है, 235 17. एब्सोल्युटली यस, सेम टायर है, टायर साइज इज सेम. बट क्योंकि आपने फुट साइड स्टेप लगा रखे है तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस में आपको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कम लग रहा है. कंपेयर 200 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस, इसका 205 mm है. 205 है. हां, 205 है इसका. मैंने थोड़ी बहुत इसमें ऑफरोडिंग की है, ठीक है, मतलब इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसमें ट्रैक्शन मिल जाता है. और इसके मोड्स आपने यूज किए, इसमें मोड्स आ जो आते हैं, इसमें तीन तरह के मोड्स हैं, जिसमें एक आपका सिटी मोड है, फिर आपका रफ मोड है. अगर आप रफ रास्ते पे खड्डे वड्डों में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो उसे आप ऑन करोगे तो थोड़ा सा आपको ट्रैक्शन ज़्यादा मिल जाएगा, पावर कम हो जाएगा व्हील उसका टायर का. और इसमें एक वेट मोड है, अगर आप समटाइम्स यू आर ड्राइविंग ऑन वेट रोड्स और मे बी स्नो, तो वो थोड़ा सा आपको हेल्प करता है. मतलब इट इज नॉट लाइक 4x4 मोड्स जो है वो सच में वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगा इफेक्ट है. मुझे रफ पे आई हैव ट्राइड इट, स्नो पे अभी तक मैंने ट्राई किया नहीं है, क्योंकि मुझे मैं गया था एक बार अभी लास्ट ईयर गया था, तो वो उस टाइम पे सारा क्लियर किया हुआ था, तो आई कुड नॉट मेक आउट कि वो एक्चुअल में काम कर रहा है. हाँ, अभी वो वाला मौका नहीं मिला है तो अभी, लेकिन नेक्स्ट मंथ आई एम प्लानिंग. सुलक्ष भाई से मैंने जो है वो स्नो चेंज ऑलरेडी ले लूंगा अभी मैं, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ आई एम प्लानिंग कि इसको स्नो पे भी टेस्ट करूंगा. सो लेट्स होप, आई एम होपफुल कि कुछ, हाँ कुछ कुछ तो होना चाहिए. हाँ, जब मोड बनाया तो कुछ ना कुछ एब्सोल्युटली यस. इसका अभी मैं कैबिन आपको दिखाऊंगा, इसमें म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, वेरी नाइस. JBL का है इसमें, हार्मन कार्डिन का आपका वो है, और JBL के स्पीकर्स हैं इसमें, ट्विटर है इसमें, 8 स्पीकर्स हैं इसमें. तो ओवरऑल यू फील वेरी नाइस व्हेनेवर यू सिट इनसाइड द कार, अच्छा फील होता है. तो बेसिकली 5-seater तो ये है, लेकिन मैंने भी अपनी गाड़ी को 5-seater क्योंकि पीछे के दो हमने वो खुलवा दिए हैं. और डिक्की का स्पेस, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि डिक्की थोड़ी और बड़ी रहती, बूट स्पेस और ज्यादा रहता? नहीं, मैं आपको, मेरे को अभी तक तो ऐसा नहीं फील हुआ, क्योंकि मुझे ना डिक्की इसकी बहुत अच्छी लगी. इट इज आई थिंक 430 liters और समथिंग, एंड और 430 liters तो ये से ये वाला स्पेस है. इसके नीचे भी आपको ना एक्स्ट्रा 20-30 liter और नीचे मिल जाता है. ये नीचे इन्होंने काफी स्पेस दिया हुआ है, इतना स्पेस आपको और मिल जाता है. तो पूरा फुल पैक करके, मतलब आप कैंपिंग के लिए निकल रहे हो तो आप फुल पैक करके निकल सकते हो. बिल्कुल, यस 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 यस, बिकॉज़ अभी हम
ये दो तीन लोगों का सामान है तो इसलिए फुल है, बट ठीक है, बूट स्पेस इज ओके। और रात में ड्राइविंग के वक्त इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है? हाँ, अच्छी है बहुत, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगे हुए हैं और बहुत अच्छा व्यू देते हैं, बहुत क्लियर है, बहुत ईजी होता है ड्राइव करना। ओके, मतलब आई वॉज, जैसे पहले मैं इससे पहले वरना कार यूज कर रहा था, जो मेरी एक और मेरे पास गाड़ी है, सो आई कुड मेक आउट द डिफरेंस, जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प में जो मजा आ रहा है ड्राइव करके रात को, तो वो काफी मतलब ईजी होता है। हाईवे पे ड्राइविंग का स्टेबिलिटी कैसा रहा आपको, मतलब आपने ट्रिपल डिजिट स्पीड पे ड्राइव किया कभी? हाँ, बहुत बार किया है और बहुत स्टेबल गाड़ी है, 130 140 पे पता भी नहीं चलता कि आपकी गाड़ी इतनी स्पीड पे चल रही है, क्योंकि इतनी भारी है, पकड़ इतनी भारी है। हाँ, बहुत अच्छा ग्रिप बना के चलती है, तो नहीं पता चलता, 140 150 तक मैं लेके गया हूँ इसको, बहुत इजीली गया है, बहुत अच्छा गया। फ्यूल इकोनॉमी कितना मिल रहा है? हाँ, वो बहुत देती, हाँ, कितना राइट, है? राइट, देती कितना है ये साला इंडियन, बिल्कुल सबसे ज्यादा सबसे पहले आता भी यही है। खैर, मैंने जब ली थी तो एक बैक ऑफ द माइंड डर तो था कि क्योंकि साली गाड़ी भारी है तो पता नहीं इसका फ्यूल इकोनॉमी बहुत कम होगा, एक बैक ऑफ द माइंड था, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर रहा था कि नहीं यार गाड़ी चल रही, गाड़ी चल रही है, लूंगा यही लूंगा, एक दो किलोमीटर कम देगी तो झेल लूंगा। तो अगर इसकी मैं एवरेज इसकी फ्यूल इकोनॉमी की बात करूं, लोकल पे ये मेरे को देती है 12.5 से सिटी में। हाँ, सिटी पे अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हो जिसमें आपका बार बार क्लच यूज कर रहा है, जैसे दिल्ली में जैसे यूज होती है, नोएडा में यूज होती है, 12.5 से लेके 13-13.5 टाइप ये देती है। और अगर मैं इसको लॉन्ग पे लेके जाता हूँ, जैसे आई गो टू चंडीगढ़ बिकॉज माई होम टाउन इज चंडीगढ़, सो वहाँ पे मैंने इसमें 22-23 की एवरेज भी निकाली हुई है। 22-23? यस, 22-23 की एवरेज भी निकाली हुई है इसमें, मतलब एकदम 60-70 पे एकदम। हाँ, अगर 80 पे भी मैं चलो, 80-85-90 पे भी चल रही है गाड़ी, तो मैंने 22-23 की एवरेज निकाली हुई है। और ऐसे नॉर्मल में कितनी आती है एवरेज, मतलब अगर आप नॉर्मल 100-110 भी चल रहे हो बीच तो में? आप 16-17 पे ले आओ उसको, 17 पे ले आओ। अच्छा, 17 आ जाती है, आराम से आ जाती है, लॉन्ग पे बहुत अच्छी एवरेज देती है गाड़ी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितना है? 50 लीटर्स। 50 लीटर्स, यहाँ पे थोड़ा सा कम है बिकॉज एक्सीवी में जो मेरी एक्सीवी वो 70 लीटर्स है। ओ वाओ, 70 लीटर्स है और मैं 1000 किलोमीटर का रेंज मिलता है। वाओ, तो इसमें जब मैं इसको फ्यूल टैंक पूरा कराता हूँ तो मुझे जो उसमें जो डिस्टेंस टू एम्प्टी आता है दैट इज अबाउट 650-670 डिपेंडिंग ऑन द टेरेन कि कहाँ पे लास्ट चली है, उस हिसाब से। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उस हिसाब से कैलकुलेट, उस हिसाब से कैलकुलेट करके वो 670 के आसपास जो है मेरे को दे देता है। तो 70 लीटर्स में होता क्या ना कि 20 लीटर बहुत होता है। लाइक अभी की बात कर लेते हैं, अभी मेरी गाड़ी में अगर मेरी कैपेसिटी 70 लीटर्स की होती तो अभी मेरी गाड़ी में जो है पेट्रोल डीजल जो है खत्म होने वाला है। हाँ, तो अभी मैं इवन सुलक्ष को बोल रहा था कि हम 50-60 किलोमीटर, मतलब क्योंकि अभी टेरेन भी ऐसा है यहाँ पे तो एवरेज आनी कम है, यहाँ पे शायद 9 या 10 की एवरेज मैक्सिमम आएगी। ओके, राइट, इतने की आएगी है ना, तो मेरे को लगता है शायद गाड़ी में तेल उतना नहीं है, बट आई एम होपफुल कि हम पहुँच जाएंगे। ओके, अगर यही आपके 70 लीटर्स होती तो मैं बहुत आराम से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाता। तो ये फायदा ना आपको लेह लद्दाख स्पीति जहाँ पे पेट्रोल पंप कम है ना, वो बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा है। 70 लीटर्स तो इट्स वेरी नाइस, बट ठीक है, चल रहा है काम। आपने सुलेश भाई की एक्सयूवी भी चलाई? हाँ, और आपने ये हैरियर, मेरी एक्सयूवी तो खैर 155 बीएचपी, सुलेश भाई की 140 बीएचपी वाली है, सेम इंजन है। तो आपको दोनों में डिफरेंस कैसा लगा, चलाने का डिफरेंस क्या था? हाँ, मुझे आई एक्चुअली लाइक्ड एक्सयूवी का जो ड्राइव था, मैंने 2 दिन सुलेश की गाड़ी चलाई है, 2 दिन मेरे पास ही थी गाड़ी वो, और बहुत अच्छा पिकअप है, बहुत अच्छा कंट्रोल है, स्टेबल गाड़ी है, लॉन्ग थोड़ी सी चलाई, मतलब आई केम फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, तो अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत, आई लाइक्ड इट। Okay, मुझे तो पता नहीं था दोनों में आपको दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा। देखो, अगर मैं ड्राइव क्वालिटी की बात करूँ ना, अगर मैं इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आई थिंक एक्सयूवी इज लिटल, मतलब अगर ये 19 है तो वो 20 है। ओके, राइट, तो ओवरऑल आई थिंक बोथ द कार्स आर इक्वली गुड। मुझे क्योंकि मतलब बहुत टफ है, हाँ, क्योंकि मेरे को पहले एक्चुअली जब मैंने चलाई नहीं थी ना, तो क्योंकि देखो लेट्स एक्सेप्ट इट, क्योंकि एक्सयूवी जो है गाड़ी इज नाउ अबाउट आई थिंक 12-13 years old saturation है ना, तो वो थोड़ा सा एक मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि यार ये गाड़ी ना ऑलरेडी मतलब काफ़ी पुरानी, कुछ नया डिज़ाइन, सो अभी वो आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, आपकी एक्सयूवी नई वाली आ रही है, वो कुछ नया बना के आ रहे हैं, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड था, इसलिए मैंने ट्राई भी नहीं किया उसको अदरवाइज। लेकिन जब मैंने ये गाड़ी फर्स्ट टाइम चलाई है अभी सुलक्ष की 2 दिन पहले, तो आई एक्चुअली लाइक इट, वेरी गुड कार। And how's the service experience of the service center? क्योंकि ultimately ना, हाँ right, after sale जो होता है ना सर्विस ही होती है, तो ठीक है, मतलब टाटा has improved a lot। पहले क्या होता था, पहले गाड़ी को तो वहाँ पे पहुँचाना बड़ा मुश्किल होता था, वो कहते थे टाइम ही नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ उन्होंने इंडिगो उस टाइम इतनी बेची, तो हमेशा ये वो रहते थे और हमेशा इनके जो बिल होते थे, मतलब एक इंडिगो गाड़ी का जो एवरेज मेरे को, मैंने सर्विस देखी है 14,000 की देखी है, मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल। अच्छा, हाँ, वही अगर आप ये मारुति पे चले जाओ डिजायर अब गाड़ी है, हाँ, बिल्कुल, हाँ, तो वो आपकी 7-8 हज़ार में हो जाती है बिल्कुल, तो, और वो हमेशा खड़कती रहती थी गाड़ी,
मतलब बिल्कुल प्योर, वो उस टाइम तो बोलते थे टाटा को सिर्फ ट्रक ही बनाने आते हैं, कार का मतलब नहीं उनको करना चाहिए. तो नाउ दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट एक्चुअली. इसका 2 मेजर सर्विस हो चुका है और 4 इसका मतलब टोटल मिला के 4 सर्विस हो चुका है. ऑल टाइम मतलब बहुत अच्छा मेरे को इन्होंने सर्विस करके दिया है एंड दे रेगुलर टेक द फीडबैक. और अगर कोई भी बाय चांस कुछ ऐसा 19-21 हो भी जाता है तो दे विल कम टू योर डोरस्टेप एंड दे विल गेट इट डन. अच्छा डोरस्टेप पे आके करते हैं? यस यस यस. मेरे साथ उन्होंने 2 बार किया है. मेरे फर्स्ट टाइम मेरा म्यूजिक सिस्टम में कुछ रह गया था शायद अपडेट करना. सो मेरे को उनका फीडबैक कॉल आया और आई टोल्ड देम कि हाँ यार इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था. सो दे इमीडिएटली केम टू माय हाउस विद सम गिफ्ट्स और साथ में मेरा वो फिक्स करके गए. ओह वाओ, दैट्स द कस्टमर डिलाइट. यस यस, वो गिफ्ट की आपकी जरूरत नहीं थी बट वो घर पे आके. यस यस यस, मतलब दैट्स अमेजिंग. यस, दैट वाज अ वेरी गुड जेस्चर और दे आर ऑलवेज अवेलेबल. मतलब कभी भी जैसे मेरे को मैं किसी सर्विस एडवाइजर को कॉल कर लूं सुबह 8 बजे 6 बजे दे विल पिक द कॉल एंड दे विल रिस्पॉन्स. ये बहुत चेंज आया है जो 8 से 10-12 साल पहले नहीं था. बाहर से तो हमने सब कुछ देख ही लिया है तो चाबी हमारे हाथ में फाइनली आ गई है. ठीक है, तो दिस इज वी हैव अ कीलेस एंट्री क्योंकि ये टॉप मॉडल है. हाँ, ये टॉप मॉडल था तो इसलिए. आ जाओ, मैं इस साइड से बैठा. हाँ, बैठो ना. आपने इसके साइड मिरर्स के बारे में बताए थे ये. हाँ, जो राइट हाँ बैठो, बताता हूँ. अभी इनिशियली क्या था, जब ये गाड़ी मैंने स्टार्ट ड्राइव करने की, मुझे एक इसमें जो आप पूछ रहे थे ना प्रोज एंड कॉन्स, तो एक कॉन मुझे और कॉन अगर बोलो तो और नजर आया. इसके अगर आप साइड मिरर्स देखो दे आर टू बिग. ये बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है जो आपको कम से कम 2 या 3 महीने में व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट तब आपको थोड़ा सा इसमें कंफर्ट आता है, नहीं तो इनिशियली 1-2 महीने आपको ब्लाइंड स्पॉट अच्छा खासा रहता है. खैर, अभी जो नई टाटा हैरियर आई है उन्होंने दे हैव ऑलरेडी करेक्टेड इट, दे हैव रिड्यूस्ड द साइज ऑफ दिस साइड मिरर और अभी दे हैव करेक्टेड इट. ठीक है, तो आपको हैंड ब्रेक लगा के, क्योंकि यहाँ पे अगर पानी का बॉटल रखते हो आप, राइट, तो हैंड ब्रेक में दिक्कत नहीं होती? राइट, होती है, बिल्कुल होती है. ग्लास कहीं मेरी मतलब पानी का बॉटल तो नहीं, ग्लास यहाँ रख लेते हैं कभी कभी. तो वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है क्योंकि ये आगे आ जाता है. हाँ, या तो फिर आप उस टाइम पे गियर में लगा के और बंद कर दो, देन इट इज ओके. तो अगर हैंड ब्रेक के साथ यूज करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस का प्रॉब्लम होता है. अदरवाइज दिस इज अ कैबिन. जब तक ये रहे मतलब लगा रहा, अपने आप उतरने दो इसको जब उतरेगा. खैर, बाकी ये सीट कवर सूट कवर तो मैंने पहले दिन ही फाड़ के फेंक दिए थे. अच्छा, ये लेकिन ये तो टॉप मॉडल है इसीलिए इसका सीट. हाँ, इसका पहले से ही लेदर ऑलरेडी पहले से आया था. मैंने कुछ भी इसमें चेंज नहीं कराया, इसका कैबिन एज इट इज ही था, कुछ भी इसमें कोई चेंज नहीं है. अब देखो इसमें 5 लोगों के साथ बैठ के कैसा ड्राइव का एक्सपीरियंस रहता है? बहुत अच्छा है. मतलब इवन अगर आप 5 की बात करो, पीछे तो 6-4 लोग बैठ सकते हैं कम, 2 आगे और पीछे 4 लोग बैठ सकते हैं. इतना ज्यादा इसका लेग रूम है, इतना ज्यादा स्पेस है पीछे, तो बहुत ईजी है, बहुत मतलब कम्फर्टेबल है गाड़ी. और ये इसका स्क्रीन है which is 8.8 inches. This is very good. हाँ हाँ, so gear लगाओ. So ये इसका स्क्रीन है 8.8 inches. इसमें इन्होंने वही Android Auto, Apple CarPlay, Voice Command ये सब इन्होंने दिया है. इसमें इंटरनेट नहीं है लाइक MG Hector अभी जो है, और कुछ गाड़ियों में और आ रहा है जैसे Venue में आया है ना, तो इसमें इंटरनेट नहीं है. बट यू कैन कनेक्ट योर दिस फोन विद दिस बिकॉज एप्पल CarPlay है, Android Auto है, तो उससे आपका WhatsApp सब कुछ रहता है, GPS VPS सब इसमें आप यू कैन यूज इट. सो बाकी ये इसका स्टीयरिंग है, अगेन दे हैव गिवन द कंट्रोल्स. ये आपका वॉइस कमांड है, साथ में आपको अगर कोई कॉल आ रहा है तो यू कैन पिक द कॉल, यू कैन डिसकनेक्ट द कॉल. ये आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम माइनस कम हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ से भी आप चैनल जो है आगे पीछे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. एंड ये आपका क्रूज कंट्रोल उधर है? हाँ राइट, क्रूज कंट्रोल इधर है, ये आपका क्रूज कंट्रोल है. और मेरे को लेकिन लगता नहीं साला ये फीचर इंडिया में इतना अच्छा है क्योंकि मेरे को कभी ये यूज में कर ही नहीं पाया. इवन मैं क्रूज आप यूज नहीं करते? मैं तो सिटी में भी क्रूज यूज करता हूँ. नहीं, मैं तो बिना मैंने जीप कंपास लेने का प्लान इसीलिए ड्रॉप किया क्योंकि उसके टॉप मॉडल पे क्रूज टॉप मॉडल पे है, अदरवाइज किसी भी वेरिएंट में नहीं है. अच्छा, हाँ, तो लेकिन मेरे को इनिशियली मेरे को था मन की क्रूज कंट्रोल वाली गाड़ी लूंगा और मैंने क्रूज यूज करने की कोशिश भी की, लेकिन 2 किलोमीटर जाने के बाद कोई गाड़ी साली आगे आती है पीछे जाती है, बिकॉज इंडिया है. कुछ ज्यादा मैंने यूज किया नहीं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लंबे हाईवे पे भी नहीं गया जहाँ पे क्रूज हो सके. या तो आप राजस्थान साइड निकल जाओ, वहाँ पे इट कैन बी यूज इजीली.
मैं तो बिना क्रूज के ना बहुत मतलब यू फील सो आप यूज कर बड़ा हाँ तो आप आदत बन जाएगी मैं तो क्रूज पे ही चलाता हूँ राइट राइट तभी आपके हाथ में हमेशा कैमरा इजीली यू कैन कैरी इट हाँ तो आई ट्राई इट मैंने किया एक दो बार किया तो बट इसका आदत पड़ी हुई है ना मैनुअल वाली पुरानी वाली तो इसलिए तो ये इसका ये आप देख रहे हो ये दिस इज हैंड ब्रेक दे हैव चेंज्ड द मतलब हां ये तो हैंड ब्रेक बहुत फेमस हुआ था बिल्कुल हां ये बिल्कुल वो कहते हैं फ्लाइट में जो केबिन होता है वैसा ही उनका ये इट्स समथिंग लाइक दिस फिर जो मैं आपको बाहर बता रहा था इसमें ये तीन मोड्स हैं ठीक है ये जैसे अभी सिटी मोड में है अब मैंने वेट पे कर दिया है यू कैन सी दैट स्क्रीन पे वो आ गया है जिसमें आपको ड्रॉप्स पानी के दिख रहे हैं थोड़ा वेट रोड दिख रहा है तो यू कैन स्विच टू दिस मोड इफ यू आर ड्राइविंग ऑन वेट रोड्स और मे बी स्नो फिर इसके बाद ये आपका एक और मोड है ये रफ रोड है यू कैन सी इट अगेन अगर आपके रास्ते में ज़्यादा खड्डे खाई मतलब ऐसे टाइप के हैं पत्थर वत्थर बहुत ज़्यादा तो यू कैन यूज़ दिस मोड्स इसके बाद फिर इसमें हिल असिस्ट है सेक्शन है तो ये सब है और पावर पावर मोड कैसे आप कह रहे थे यस इफ यू फील लाइक कि आपको मतलब और ज़्यादा तेज आपको परफॉर्मेंस और वो चाहिए तो यू कैन चेंज यू कैन जस्ट प्रेस दिस एंड यू कैन रियली फील द डिफरेंस दिस इज स्पोर्ट मोड और इसमें एकदम से जो है वो जो आपको कभी कभी जो परफॉर्मेंस लो फील होता है वो आपको एकदम से अच्छा वापस कवर कर लेता है दे हैव दिस इकोनॉमी मोड ऑटोमेटिकली इंजन का पावर कम हो जाता है और फिर उसमें आपको जो है एवरेज ज़्यादा मिलता है गाड़ी का सो गाइज आई होप कि अगर आप टाटा हैरियर लेने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन पता चला होगा डेफिनेटली न्यू हैरियर्स में इंटरनल वगैरह तो सब चीज तो सेम है सिर्फ इंजन का थोड़ा पावर राइट राइट साइड मिरर इंजन राइट सनरूफ तो जो जो भी इसमें कॉन्स थे वो दे हैव कवर्ड इट beautifully and you can go for the new Harrier and dark edition Harrier to bhai qatal seriously zeher qatai zeher to Harrier chalane ka experience maine majnu bhai ko kaha manoj bhai ko kaha ki acha ye to hai ki bhaiya ek bar hame Harrier chalane do to bhaiya ne kaha theek hai ji chalao to abhi hum kaun se mode pe hain अभी तो नॉर्मल मोड पे हैं अच्छा नॉर्मल मोड पे हैं ओके कर लेते हैं थोड़ा सा रफ मोड कर लेते हैं सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड लो रफ मोड अब आ गया रफ मोड एक्टिवेटेड तो हमने रफ मोड एक्टिवेट किया है फॉर बेटर ट्रैक्शन और फर्स्ट गियर पे हैं नॉर्मल धीरे धीरे क्योंकि गड्ढे हैं काफी ज्यादा गड्ढे हैं गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़क नहीं है तो अच्छा यार मजा आ रहा है एंड नाउ इन सेकंड गियर एंड कंफर्टेबली इंजन ब्रेक अच्छा सीट बेल्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये तो सबसे पहला काम होना चाहिए हाँ पूरा बोनट से एकदम क्लियर व्यू आ रहा है हाँ एग्जैक्टली सीट एकदम ऊंचा करके बैठे हैं क्लियर दिख रहा है सामने सो इसकी ड्राइव सीरियसली बहुत अमेजिंग है बहुत अमेजिंग फिलहाल हम स्पोर्ट्स मोड पे हैं एंड मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हो रहा कि अंडर पावर्ड है या पावर और ज़्यादा होनी चाहिए डेफिनेटली 170 bhp वाले में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा मतलब वो ड्राइव करने में ना और भी ज़्यादा फील आएगी बहुत मज़ेदार है स्टेयरिंग अगर एक हाथ से भी ईजिली कंट्रोल हो रहा है सस्पेंशन भी चेक हो गया क्योंकि हमने ऑफ रोड पर गए तो यार बहुत मतलब अंदर बहुत ज़्यादा झटके नहीं लग रहे थे एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया ये था वो मिरर जो कि भाई ने भी बताया था कि इसका मिरर ना ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है स्पेशली मेरे एकदम आई साइट पे है हाँ एकदम मेरे आई साइट पे ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे है और इतना बड़ा है ना कि मतलब मेरे को ना नीचे ऊपर करके देखना पड़ता है बहुत ह्यूज है मतलब वो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट स्पेशली माउंटेन्स पे जब कर्व्स में आप ड्राइव करते हो ना तब तो और ज्यादा दिक्कत है अदरवाइज अमेजिंग यार मतलब जस्ट अमेजिंग द फील ऑफ दिस कार द प्रीमियमनेस बेसिकली द प्रीमियमनेस कह सकते हैं केबिन का वो विजिबल है वो आपको स्टेयरिंग पकड़ते के साथ ही ना जब आप बैठते हो गाड़ी का इंजन ऑन करते हो तभी पता चलता है कि यार मतलब आप सही में आप एकदम कमांडिंग पोजिशन पर बैठे हो आपको पूरा बोनट नज़र आ रहा है
एंड यार रोड प्रेजेंस तो हैरियर।